दोस्तों, अक्सर आप न्यूज़पेपर, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, मनी कंट्रोल और टीवी में सुनते होंगे कि वॉरेन बफेट की वेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई या मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इन लोगों ने इतने सारे पैसे कमा लिए। तो ये सारी न्यूज़ सुन के आपको भी लगता होगा कि काश हम भी इतने पैसे कमा सकें। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या FDs वगैरह करते हैं, और अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में नहीं पता, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका बेकार जा सकता है। तो शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बेसिकली या दुनिया के अंदर भी कौन से सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे कि वो बंदा वहाँ IT में काम करता है या उसमें काम करता है, ये हम ये नहीं बात कर रहे। हम बात कर रहे हैं बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम कौन से होते हैं, कि यानी आप क्या करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर जो होता है, मतलब हमारी दुनिया के अंदर जो होता है, वो बेसिकली दो टाइप के सोर्स ऑफ इनकम है। एक होता है कि आप जो खुद मेहनत करते हो उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है वो, और एक जो आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा के लाता है, जैसे कि आप किसी को ब्याज पे दे देते हो तो पैसा पैसे पैसा पैसा कमा के लाया, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने वो पैसा एसेट क्लास में लगा दिया, पैसे ने पैसा कमा के आपको दिया, एक वो होता है। तो जो आप मेहनत खुद करते हो जिसके बदले आपको सैलरी मिलती है या डेली वेजेस मिलता है या आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ें जो आती है ना वो एक्टिव इनकम में आता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। ये बहुत ही आसान वीडियो है, इसको अगर शुरू से लेकर आपने एंड तक देख लिया तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि म्यूचुअल फंड का क्या रोल है, आपकी FDs का क्या रोल है, GPF PPF में जो पैसा आप लगा रहे हो उसको आपको कैसे यूज़ करना है, और आप भी आगे चल के अपनी अच्छी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो बात कर रहे हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं कि वहाँ पे एक्टिव इनकम क्या होती है। जो भी पैसा आप खुद काम करते हो उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है कि जो आपका पैसा जो है वो आपके लिए जो काम कर रहा है, यानी आपने अपना पैसे को FD में डाल दिया, FD पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पैसा आपको मिला वो पैसिव इनकम है। अब बात कर लेते हैं दोनों की वैलिडिटी की, कि दोनों कब तक हमें मिलती रहती हैं। तो जैसे कि मैं एक्टिव इनकम की बात करूं, तो एक्टिव इनकम में अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं, तो मैक्सिमम 60 साल तक, 60 साल पे आप रिटायर हो जाएंगे, कंपनी बोलेगी भैया घर जाओ, हम नहीं दे सकते पैसे आपको। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता चल गया कि अब आप काम करने लायक नहीं रहे हो, आप बूढ़े हो गए हो, अब आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपको क्यों पैसा दें। तो कंपनी ने आपको भगा देती है, कहती है भैया ये लो आपका रिटायरमेंट का पैसा, घर जाओ आराम करो और खटिया पे चैन से सो जाओ। ठीक है, अब होता क्या है, बंदा रिटायर होता है, जो पैसे मिलते हैं वो अगले 3-4 साल बाद खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि इस पैसे से भी वो पैसा कमा सकता था, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग को यूज़ करके। तो जाहिर सी बात है एक्टिव इनकम का आपका एक एंड होता है जो कभी ना कभी जाके ख़त्म हो जाता है। अगर आप 60 साल बाद रिटायर होके भी घर पे आके भी काम करते हो तो कितना कर लोगे, 70 साल तक कर लोगे, उसके बाद के जो साल होंगे उसमें आपको बैठ के ही खाना पड़ेगा। तो बैठ के खाने की कंडीशन एक ही है, या तो आपके बच्चे आपके लिए अच्छा काम करें, आपको खिलाएं, आपकी सेवा करें, वो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि कलयुग है, आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे भी कहते हैं हमारे खुद के खर्चे नहीं चल रहे, आपको कहाँ से खिलाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक्टिव इनकम का आपका सोर्स लिमिटेड है, वो कभी ना कभी जाके आपका ख़त्म हो जाएगा। और बात कर लेते हैं पैसिव इनकम का सोर्स। क्या आपको लगता है कि अगर मैं आज आपसे बात करूं कि आज आप 1 लाख रुपए बैंक में डाल दो FD में और उसको ज़िंदगी भर डले रहने दो, आप मरते दम तक डले रहने दो, क्या बैंक आपको ब्याज देना बंद कर देगी? मुझे नहीं लगता कि वो कभी आपको ब्याज देना बंद करेगी। तो यानी पैसिव इनकम का कभी एंड नहीं है। लेकिन पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉर्पस, एक अमाउंट होना चाहिए जिसके बदले आपको पैसा मिले। वो अमाउंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आपकी कितनी नीड्स है, अगर आपका खर्चा 5,000 में चल रहा है तो आप 4-5 लाख रुपए भी FDs में डाल के अपना 5,000 में खर्चा निपटा सकते हो। अगर आपका खर्चा 5 लाख का है तो आपको ज़्यादा बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम समझ में आ गया, पैसिव इनकम समझ में आ गया। एक्टिव इनकम की वैलिडिटी होती है कि आप कब वो ख़त्म हो सकती है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और पैसिव इनकम की कोई वैलिडिटी नहीं होती, ये आपके पैसे पे डिपेंड करती है, आपका पैसा कितना है और कब तक आप उसको डला रहने देते हो।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग की कि कंपाउंडिंग का यूज़ क्या आता है। बेसिकली कंपाउंडिंग को हम बोलते हैं चक्रवर्ती, यानी जो भी पैसा के ऊपर पैसा आपका बन रहा है उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब इसकी पावर क्या होती है, अब मैं इसकी पावर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है 1 करोड़ के फंड के साथ, और इन्फ्लेशन जो चल रही है वो 6% की मान लेते हैं, इन्फ्लेशन की बात ही नहीं करते हैं, और आसान बना लेते हैं इस वीडियो को, इन्फ्लेशन की बात ही नहीं करते। अब जब वो रिटायर हो जाता है 1 करोड़ रुपया उसके पास है, तो उसके जो खर्चे हैं वो मंथली मान लीजिए 20,000 के हैं, तो वो सालाना 240,000 रुपये उसमें से निकाल लेता है। तो ऐसे ही वो करते 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 आगे 4-5 साल में तो उसमें से वो 20-25 लाख रुपये खर्च कर लेता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन होता क्या है कि वो पैसा उसने जो इकट्ठा किया था वो म्यूचुअल फंड के थ्रू किया था या किसी ऐसे क्लास में थ्रू किया था जहाँ पे शेयर्स खरीद रखे थे उसने, तो 5 साल बाद वो म्यूचुअल फंड ने उसको रिटर्न दे दिया 80% का, तो उसका जो 1 करोड़ था वो करीब करीब 1,70,00,000 रुपये या 80 लाख में कन्वर्ट हो गया। उसमें तो उसने कुछ निकाला भी था तो उसकी वैल्यू मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपये पहुँच गई। तो हो क्या रहा है कि वो पैसे खर्च भी कर रहा है लेकिन बिकॉज उसका कॉर्पस बड़ा है उस टाइम, तो उस पर जो रिटर्न मिल रहा है उसको वो भी बड़ा मिल रहा है। तो उसको जो पैसे वो खर्च कर रहा है वो इतनी तेज़ी से कम नहीं हो रहे जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सेम चीज़ आज के टाइम पे वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी जी, राकेश जूनियर वाला, इन सब के साथ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे को सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा एसेट क्लास में एज़ कम्पेयर टू सेविंग स्कीम या FD से ज़्यादा। तो इसीलिए उनका पैसा आज इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि उनकी वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इवन आज ही एक आर्टिकल मनी कंट्रोल पर मैं पढ़ रहा था जिसमें कि वॉरेन बफेट ने एट द एज ऑफ 11, जब वो 11 साल का था, तब से मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप कंपेयर करिए कि एक बंदा जो बच्चा था ऑलमोस्ट 11 साल का, वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था और आज शायद 90 क्रॉस कर चुके हैं, तो कितना बड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको उनको मिल रहा है। इसीलिए उनकी जो वेल्थ है वो 84 बिलियन ऑफ डॉलर से भी ऊपर है। तो यही बेनिफिट आप भी ले सकते हैं, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। टाइम के बाद वो आपकी कंपाउंडिंग लगती है। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आप लगा रहे हैं एक फाइनेंशियल गोल की नीड के हिसाब से लगाइए, ना कि कुछ रिटर्न पाने के लिए। आप कुछ रिटर्न पाना है तो आप कहीं पे भी प्लॉट खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए, 5-6 साल रखिएगा और बेच दीजिएगा, उसमें ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा कायदे से बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो अपनी SIPs को लंबा रखने के लिए चलाइए कि 25 साल 30 साल से पहले मैं इसको बंद ही नहीं करूँगा, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं। जब आप मरने वाले ही हो तभी उस पैसे को छुइएगा, वरना मत छुइएगा। ये सारी कंडीशंस आती हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तभी आप देखिएगा ज़िंदगी जीने का मज़ा अलग ही आएगा आपको उस दिनों में। तो फिलहाल दोस्तों आई होप इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।